वक्त ऑल टाइम पब्लिक इंडिया का कैमरा जो है वो ट्रेन में है, गया हावड़ा एक्सप्रेस है, हावड़ा को जाती है। बहुत सारे यात्री जो हैं गया से चढ़ते हैं, कुछ एक यात्री बीच रास्ते में भी चढ़ते हैं। लगभग 200 से ज़्यादा किलोमीटर की दूरी ये ट्रेन तय कर चुकी है, भागलपुर पहुंची, और यहां से इस सफ़र में कुछ यात्री हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। रहीम नाम है हमारा। आपको जो है गया से आप चढ़े हैं इस ट्रेन में? जी हाँ, अभी तक बहुत तकलीफ है। क्या क्या तकलीफ होती है आपको? सुविधा नहीं, हमारा पब्लिक को सुविधा नहीं, जो लोकल में दो किलोमीटर तीन किलोमीटर जाने वाले उसको सुविधा नहीं, वो कैसे जाएगा? तो जो रिजर्व में डाल के जाएगा, कस्टम मतलब पसेंजर को हटा के जाएगा। तो ये सुविधा के लिए हम गवर्नमेंट इंतजार करते हैं कि आराम से एक लोकल ट्रेन छोड़े जो यहाँ से पब्लिक वो 200 फीट 300 फीट जा सके। भाई यही दिखाना आपको। हावड़ा किस लिए जा रहे हैं? हावड़ा हम रहते हैं, हावड़ा में रहते हैं। अच्छा एक बात बताइए, बंगाल के अंदर जो लोकल ट्रेन्स हैं उसकी और बिहार में जो लोकल ट्रेन्स है, गया से आप चढ़े हैं तो कितना अंतर आप देखते हैं बंगाल और बिहार की लोकल ट्रेन्स में? हमको बराबर नज़र आ रहा है, बहुत अंतर है, बराबर नज़र आ रहा है। इसलिए कि वहाँ बंगाल के ट्रेन में आपको लोकल ही लोकल मिले, लोकल तो लोकल मिले, लेकिन रिजर्व टिकट जैसे गया से हम लोग जाना है भागलपुर, हावड़ा से जाना है गया, यह तकलीफ हो जाता है। तो पब्लिक जाए तो कहाँ जाए? तो पब्लिक सुविधा के लिए क्या किए, क्या किया इंडियन गवर्नमेंट हम लोग, क्या कर रहा है रेलवे कर्मचारी, क्या कर रहा है ये क्या? अच्छा एक बात बताइए कि सरकार किस तरह का कार्य कर रही है? आप लोग अभी धारा 370 हटाया गया, बहुत अच्छा किया। अभी हमारा जो मोदी सरकार है उनके राज्य में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, ठीक है। जैसा कि अभी NRC बनाया है तो सही बनाया है, जो हिंदुस्तान के वो हिंदुस्तान में रहे, जो हिंदुस्तान नहीं वो चले जाए। अभी 19 लाख आदमी निकाला आसाम से, वो इनलीगल था, निकाला गया, अभी बहुत निकलेगा। ये हिंदुस्तान तो मैंने ओपन करके रखा है कि आओ ढूको खाओ पियो चले जाओ, तो हम लोग कहाँ जाए हिंदुस्तानी लोग? हम लोग जो बाप दादा परदादा जो गुजर गया जिंदगी यहाँ से 200-300 साल आगे, वो सब कहाँ जाएगा? उनका बच्चा कहाँ जाएगा? अब वो तैनात दो जिनका बच्चा का नहीं है तो वो क्या करेगा? तो ये सब समझिए, समझाइए, पब्लिक को सुधारिए, और कुछ नहीं। अच्छा एक चीज़ मुझे बताइए कि सरकार ने धारा 370 को हटाया, कश्मीर को अपना अभिन्न हिस्सा जो है बनाया एक तरीके से पिछले काफ़ी दिनों से, किसी भी सरकार में, एक मिनट मेरे प्रश्न सुन लीजिए फिर आपको उत्तर देने का जो है मौका मिलेगा, किसी भी सरकार ने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई थी, तो इस सरकार ने जो किया है उस पर क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा किया सरकार, क्योंकि कश्मीर हमारा है, सिर्फ हमारा, हिंदुस्तान का, किसी और का नहीं। वो बोलता हमारा, वो पाकिस्तान क्या है, चंद मुट्ठी का दाना है। अगर यहाँ का पब्लिक पेशाब कर दे तो बह जाएगा पाकिस्तान। हम शान से बोलते हैं, मेरा नाम रहीम है, हिंदुस्तान के आदमी हैं हम, ये हिंदुस्तान का जिएंगे, हिंदुस्तानी में मरेंगे, इससे अच्छा कोई देश नहीं है। एक बात को कह गया है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सीधा हमारा, क्यों नहीं बोला पाकिस्तान हमारा, बोल सकता था, क्यों ने बोला ढाका हमारा, क्यों ने बोला अमेरिका हमारा? वाकई ये सोना का चिड़िया है, लेकिन हम यही गलतीजा है कि बस देश को सुधार दो, आवाम से मिला दो, ये जात वो जात क्या है? हम लोग सिर्फ इंसान हैं, बांटे हम लोग, तुम मंदिर जाओ, तुम मस्जिद जाओ, तुम गुरुद्वारा जाओ, बांटे हम लोग, भगवान हम लोग सिर्फ इंसान पैदा किया है, और इज्जत करना सीखो छोटा बड़ा का। हाँ बस एक आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे, हावड़ा में आप रहते हैं पिछले काफ़ी दिनों से रहते होंगे, कितना समय गुजारा आपने वहाँ पे? 58 साल हो गया हमारा। राजनीति में क्या बदलाव देखते हैं वहाँ पे? कम होता है नहीं, लेकिन सुनते तो होंगे कुछ लोग वहाँ पे पान की दुकान पे, तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे राजनीतिक विचारों का आदान प्रदान जो एक छोटी सी पान की दुकान पे इस तरीके से होता है, लगता है कि राजनीतिक विशेषज्ञ आपस में बातचीत कर रहे हैं, उनको आप देख के कितना अनुभव करते हैं और क्या बदलाव हुआ है बंगाल के? अभी तो बंगाल के अंदर तो बहुत बदलाव हुआ, बंगाल तो आगे भी पीसफुल था, अभी भी पीसफुल है, ठीक है। हमारे यहाँ दो सरकार आता है, बदलता है, होते रहता है, नेता है ये कभी ऐसा करेगा, कभी ऐसा करेगा, तो पब्लिक एक भेड़ा का तरह है, जहाँ एक भेड़ा जाएगा वहाँ 100 भेड़ा जाएगा, हम जनता भेड़ा है बस, और कोई बात नहीं। हम लोग नेता जहाँ घुमाएगा ऐसा करना, जी सरकार
ऐसा मत करना जी सरकार, सरकार के पास में हम लोग हैं ना, वह नहीं सरकार हम नहीं करेंगे तो चलो निकलो यहाँ से, जो बोल दिया बहुत बोल। और जो अभी वहाँ पे आने अभी जिस तरीके से बीजेपी वहाँ पे कुछ सीट लाई है लोकसभा के अंदर, 15 से ऊपर सीट वहाँ पे लेकर आई है, 18 सीटें लेकर आई, तो आपको क्या लग रहा है कि विधानसभा का जब चुनाव होगा तो बीजेपी वहाँ पे और मजबूत होके उभर सकती है? मजबूत हो सकता है, क्योंकि आवाम वहाँ का तो दिख रहा है कि हमको तो सुधार चाहिए, हमको अपना सुधार चाहिए, मेरा बच्चों अच्छा तालीम चाहिए, हमको अच्छा राशन पानी चाहिए, और क्या चाहिए, और देश में क्या देगा, थोड़ी हमको जान मार देगा, तो हम चाहते जो भी देश चलाए सुधार से चलाए, ये इल्तिजा है मेरा। तो ये थे रहीम जी, और इन्होंने जिस तरीके से अपनी यात्रा वृत्तांत के दौरान पूरी कहानी बताई, भारतीय राजनीति को लेकर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह भी ये खड़ा करते हैं। नेताओं को कहते हैं कि नेता जो कहेंगे, सरकार जो कहेगी, पब्लिक को मानना ही पड़ता है कहीं ना कहीं, लेकिन ये भी अलग बात है कि पब्लिक ही मालिक होती है और नेता जो है उनके आगे आकर जो है नतमस्तक होते हैं। चुनाव की बात अपनी जगह है, यात्रा की बात अपनी जगह है, लेकिन इनके जो विचार हैं, आप देख रहे थे ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पे एक्सक्लूसिव। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।